Vivo V25 Pro बहुत ट्रेंडिंग फोन है, बहुत सारे लोग इस फोन को खरीदने वाला है और बहुत सारे लोग खरीद भी रहा है। इसका कुछ हाइलाइटेड फीचर्स है जिसके वजह से बहुत ज्यादा लोग इस फोन को खरीद रहा है। एक तो कलर चेंजिंग बैक पैनल है, बहुत ट्रेंडिंग रहता है अभी के टाइम में। दूसरा चीज कार्प डिस्प्ले, उसके वजह से और भी बहुत ज्यादा लोग खरीद रहा है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 35,000 रुपीज देकर क्या आप लोगों को ये फोन लेना चाहिए सिर्फ कलर चेंजिंग बैक पैनल और कार्प डिस्प्ले के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखो, 20 दिनों तक इस फोन को मैं यूज कर रहा हूँ, डिटेल रिव्यू देने वाला हूं इस फोन में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या अच्छाइयां हैं। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। इस फोन का सबसे बड़ा हाइलाइटेड चीज यही है, इसका डिजाइन। इस फोन में कलर चेंजिंग बैक पैनल दिया है। मैं बहुत बार कलर चेंज करके देखा हूं, धूप में लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाता है। बहुत सारे लोगों को इसका डिजाइन पसंद भी आता है। हाथों का निशान क्रेजेस वगैरह उतना ज्यादा नहीं आता है। ये ग्लास बैक नहीं है, पॉलीकार्बोनेट है, हाई क्वालिटी का पॉलीकार्बोनेट यूज किया गया है। बहुत सारे लोग बता रहा है कि ग्लास बैक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ग्लास बैक नहीं है, ग्लास बैक नहीं है, पॉलीकार्बोनेट। फिर भी हाथों का निशान और क्रेचेस वगैरह उतना ज्यादा नहीं आता है, ये मैं शॉक हुआ हूं। इसका जो कैमरा का बम्प है उसके ऊपर ग्लास दिया गया है, तो उसके वजह से वहां पे हाथों का निशान और क्रेचेस वगैरह बहुत ज्यादा आ जाता है। तो बैक केस वगैरह लगा के रखना, अगर आप बैक केस लगाते हो तो इस फोन का जो शो है वो नष्ट हो जाता है। फ्लैट एजेस इस फोन में नहीं दिया है, ऑब्वियसली कार्प डिस्प्ले की वजह से फ्लैट एजेस इस फोन में नहीं दिया गया है। कार्प डिस्प्ले के बारे में बात कर रहा हूं तो डिस्प्ले के बारे में ही बात करते हैं। 6.56 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर आप ज्यादा मूवी ज्यादा वीडियो वगैरह देखना पसंद करते हो ना, ये फोन आप लोगों को मजा देगा। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग सोचता है जब आप YouTube में वीडियो वगैरह देखोगे जूम करने के बाद एक कार्प जो है इसके ऊपर भी वीडियो प्ले होता है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे एक बॉर्डर आ जाता है, कार्प में कोई भी वीडियो वगैरह प्ले नहीं होता है। जैसे कि नॉर्मल फोन में होता है वेजल्स वगैरह आ जाता है, सेम उसी तरीके से इस फोन में भी प्ले होता है। तो ये गलत फहमिया में मत रहना कि कार्प में भी आप लोगों को वीडियो प्ले होता दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, काफी स्मूथ है, बहुत जल्दी जल्दी स्क्रॉल भी होता है। और मैं ना एक कार्प में टच करके भी देखा हूं तो टच नहीं लेता है, थोड़ा सा डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद टच लेता है, लेकिन मैं कार्प में अगर स्वाइप वगैरह करूं तो कोई भी टच नहीं लेता है। बहुत सारे लोग ये भी कहता है कि कार्प के वजह से साइड में टच हो जाता है, ऐसा नहीं होता है इस फोन में। वीवो पहली बार किसी भी फोन में पंच होल सेल्फी कैमरा दिया है, ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ हूं। इसका जो बेजल्स वगैरह है वो भी बहुत पतला पतला है। चलो गेमिंग के बारे में बात करते हैं। इस फोन में डायमेंसिटी 1300 चिपसेट मिलता है, 6 नैनोमीटर में बेस्ट है, पावर एफिशिएंट है। मैं इस फोन में भरपूर पबजी वगैरह खेला हूँ, अच्छा चलता है, स्मूथ एक्सट्रीम करके खेला था, जबरदस्त मक्खन चला था। अगर आप लोगों को इस फोन का डिटेल गेमिंग रिव्यू देखना हो, कार्ड में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लेना। गेमिंग एक्सपीरियंस इस फोन का जबरदस्त है, गेमिंग एक्सपीरियंस में आप लोगों को मायूस नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लोग एक घंटा दो घंटे के ऊपर जब जाओगे, मैं इस फोन में लगभग 4-5 घंटे तक कंटिन्यू खेला था, जब आप लोग दो घंटे के ऊपर जाओगे ना तब इस फोन में थोड़ा सा लैग, जिटर, थोड़ा सा हीटिंग इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा नॉर्मल खेलते हो, नॉर्मल मतलब क्या है, कुछ टाइम तक खेल लिया उसके बाद रख दिया, ऐसे करोगे तो फोन चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि फोन में घुसे रहता है, हर टाइम पबजी घुसाता है, तो उस टाइम आए फोन थोड़ा सा डगमगा जाएगा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों को नहीं दे पाएगा, और तो और थोड़ा सा हीट भी हो जाता है ये फोन। ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को नोटिस रखना है। मेरे को भी अच्छा नहीं लगता यार, 36,000 रुपीज देकर एक फोन आप लोग खरीद रहे हो और उस फोन में ढंग से आप पबजी नहीं खेल पाओगे, ये हजम नहीं होता है यार। वीवो को ये सब कुछ के ऊपर थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना चाहिए। ऐप ओपनिंग वगैरह मक्खन है, ऐप ओपनिंग के टाइम में कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी ऐप वगैरह ओपन होता है। 8GB का रैम है हमारे पास, रैम मैनेजमेंट भी बढ़िया है। मैं बहुत सारे एप्लीकेशन को एक साथ रैम में डाला था, उसके 2-3 घंटे के बाद मैंने चेक किया था तो रैम में काफी अच्छी तरीके से सारे ही एप्लीकेशन था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो रैम मैनेजमेंट इस फोन का जबरदस्त है। चलो कैमरा के बारे में बात करते हैं। बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है, 64 प्राइमरी सेंसर, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो, 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। ये सैंपल देखिए, नॉर्मल सैंपल है, डिटेलिंग वगैरह मुझे मस्त लगा है, फेस को ज्यादा ब्यूटी भी नहीं किया है, और ऐसे भी इस पिक्चर में आप लोगों को फेस अच्छी तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को ह्यूमन पिक्चर और नेचुरल पिक्चर एक साथ दिखाने के लिए ये पिक्चर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फ्लावर का जो कलर वगैरह है, पेड़ का जो कलर है, वो डिटेलिंग वगैरह मुझे काफी अच्छा लगा, और मेरे शर्ट के कलर को भी चेंज नहीं किया है, अच्छी तरीके से कैप्चर किया है। ये प्रोटेक्ट सैंपल है, एज डिटेक्शन वगैरह देखिए, मक्खन है, जबरदस्त है। मैं 1.8 अपर्चर करके खींचा था और सच में एज डिटेक्शन मुझे काफी अच्छा लगा। अल्ट्रा वाइड और नॉर्मल सैंपल साइड बाय साइड में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, अल्ट्रा वाइड काफी अच्छा है, ज्यादा पिक्चर कैप्चर करता है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, अल्ट्रा वाइड में जो स्काई है ना, वो काफी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया है नॉर्मल सैंपल से। ये सेल्फी कैमरा सैंपल देख लीजिए, नॉर्मल सैंपल है, बैकग्राउंड भी मस्त है, स्काई को ज्यादा व्हाइट नहीं किया है, डिटेलिंग भी काफी अच्छा लगा है, मेरे फेस को भी ज्यादा ब्यूटी नहीं किया है, बाल का कलर भी डिफरेंस नहीं लेकर आया है, मतलब ब्लैक रखा है। ओवरऑल ये पिक्चर मेरे को काफी अच्छा लगा। ये पिक्चर भी देख लीजिए, मेरे शर्ट के कलर को चेंज नहीं किया है, जो नॉर्मल शर्ट का कलर है वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब बात आता है सेल्फी कैमरा के प्रोटेक्ट मोड में, तब मेरे फेस को देख लीजिए, ज्यादा
व्हाइट कर दिया है और जो एज डिटेक्शन वगैरह है या जो ब्लर के साथ जो ऑब्जेक्ट है उसका कॉम्बिनेशन मेरे को सॉफ्टवेयर से किया गया है ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है, लेकिन मेरे फेस को ज्यादा व्हाइट कर दिया है, स्लाइटली ब्यूटी किया है। डायनामिक रेंज चेक करने के लिए ये पिक्चर देखिए, जबरदस्त डायनामिक रेंज है, पेड़ को ज्यादा डार्क नहीं किया है, स्काई वगैरह को भी काफी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। ये पिक्चर भी देख लीजिए, सच में दोस्तों धूप में मैंने ये पिक्चर खींचा था और डिटेलिंग वगैरह मुझे मस्त लगा है। ये पिक्चर 64 मेगापिक्सल से खींचा गया है। थोड़ा सा जूम करके मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो इस पेड़ को, तो हाँ डिटेलिंग तो उतना अच्छा नहीं है लेकिन जूम हो रहा है 64 मेगापिक्सल, मुझे लगता है नाम का दिया है, काम का कोई भी काम नहीं है। ये माइक्रोशॉट देख लीजिए, कलर बूस्ट बहुत ज्यादा कर दिया है यहाँ पे। इंडोर में सेल्फी कैमरा सैंपल देख लीजिए, इंडोर में सेल्फी कैमरा सैंपल काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, लो लाइट में भी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। ये सारे कैमरा सैंपल लो लाइट में मैंने खींचा था, देख लीजिए। बैक कैमरा भी लो लाइट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, डिटेलिंग वगैरह मस्त देता है। ये फ्लावर का कलर देख लीजिए, एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो फ्लावर का कलर थोड़ा सा रेड आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ऐसा नहीं है, व्हाइट है, लेकिन यहाँ पे कलर बिल्कुल चेंज कर दिया है। इस फोन में 4830 एमएच का बैटरी दिया है, बैटरी इसका काफी अच्छा है। हाल ही में इसका बैटरी डेंटेस्ट किया था, सिर्फ इस फोन का नहीं, इस फोन के साथ बहुत सारे फोन का बैटरी डेंटेस्ट वाला वीडियो कार्ड में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो देख सकते हो। स्क्रीन ऑन टाइम लगभग 6 घंटे के आसपास दिया था, वो वीडियो जरूर देख लेना। उस वीडियो में हम लोग कैमरा ओपन करके रखे थे, पबजी खेले थे, यूट्यूब वीडियो प्ले किए थे, तो ओवरऑल करने के बाद मेरे को 6 घंटे के आसपास दिया था। डिपेंड करता है कि फोन को आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, आप पबजी लगातार खेल रहे हो कि नहीं, या कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो कि नहीं। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 30fps करके कर रहे हो तो वहां पे ज्यादा बैटरी जाएगा, अगर आप लोग फुल HD 30fps करके करोगे तो वहां पे कम बैटरी ड्रेन होगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फोन को इस्तेमाल कर रहे हो, कार्ड में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लेना। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, काफी फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी ओपन भी होता है और फेस अनलॉक भी बढ़िया है, तो ये सब कुछ के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा वीवो यार, ये सब कुछ काफी अच्छी तरीके से करता है। और तो और मैं जब डे टू लाइफ यूज कर रहा हूँ ना, सच में मेरे को काफी अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है। पहले कार्व डिस्प्ले मेरे को उतना पसंद नहीं था, जब ये फोन आया मेरे पास, मैं जब यूज करने लगा तब मेरे को पसंद आने लगा। सबसे बड़ी बात है ये जो साइड में टच नहीं होता है, ये और भी बढ़िया चीज है। इस फोन का मैं वाटर टेस्ट किया था, वाटर टेस्ट में भी ये फोन सर्वाइव कर गया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप लोग वाटर टेस्ट वीडियो वगैरह भी देखना हो, कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो देख सकते हो। अगर आप लोग ये फोन खरीदने के लिए जा रहे हो ना, आप लोगों को सारे वीडियो देखकर खरीदना चाहिए, वाटर टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, बैटरी टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट, फुल रिव्यू, सब कुछ देख लिया करो। 36,000 रुपीज देकर एक फोन खरीदने के लिए जा रहे हो तो उसी तरीके से आप लोगों को दिमाग भी लगाना चाहिए ना, सारे वीडियो देखने के बाद फोन खरीदने के लिए जाना अगर आप लोगों को पसंद आता है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ ये फोन आप लोगों को खरीदना चाहिए कि नहीं। देखो दोस्त, साफ साफ बताता हूँ, इस फोन का जो प्राइस है 36,000 रुपीज है। मेरे को ये फोन काफी अच्छा लगा, कलर चेंजिंग, बैक पैनल, कार्व डिस्प्ले, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, कैमरा भी ओवरऑल काफी अच्छा लगा। तो 30,000 रुपीज में एक फोन खरीदने के लिए जा रहे हो स्टाइलिश फोन, तो इस फोन के पास जरूर देखना। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर आप लोग सिर्फ गेमिंग के लिए खरीदना चाहते हो तो इस फोन के पास मत देखो। गेमिंग के लिए इस फोन में और भी बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन मिलेगा, वो सारे फोन के पास देखिए। गेमिंग के लिए नहीं है, गेमिंग को छोड़ के अगर आप लोग ओवरऑल पैकेज वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हो, बढ़िया फोन है, इसके पास जरूर एक बार चेक करना। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये फोन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दे सकते हो, हमारे वीडियो को और भी कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को और भी ज्यादा पसंद आएगा, क्या क्या वीडियो इंप्रूवमेंट करना चाहिए हम लोगों को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।